हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल की कंप्लीट स्टडी करेंगे। वैसे इसके पहले के सभी वीडियोस देखने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल की कंप्लीट स्टडी करना है। तो सबसे पहले आपको हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए। वो हमने यहाँ पे लिख के रखा है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इज एफ ऑफ डी ऑफ वाई इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। कुछ बुक्स में यहाँ पे क्यू ऑफ एक्स दिया है तो कुछ बुक्स में यहाँ पे फाई ऑफ एक्स दिया है। तो ये है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। इस टाइप का अगर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हो तो हमें उसको सॉल्व करना होता है और सॉल्व करके हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होता है। और सॉल्यूशन फाइंड आउट करते समय दो चीजें निकालना होता है, एक है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और दूसरा है पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों को एड करके लास्ट में हमें जनरल सोल्यूशन मिलता है। वैसे इसके पहले के लेक्चर्स में ऑलरेडी ये सब हमने एक्सप्लेन किए थे। लेक्चर वन में हमने आपको बताए थे कि हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये बना कैसे, हमने उसमें वो एक्सप्लेन किए थे। फिर हमने लेक्चर नंबर टू में आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की पूरी जानकारी दिए थे। हमने बताए थे कि डिफरेंट डिफरेंट रूट्स क्या होते हैं, रूट्स के टाइप देख के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का इक्वेशन कैसे बनाना, वो हमने लेक्चर टू में एक्सप्लेन करके दिए थे। और आज लेक्चर नंबर थ्री में हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल के बारे में स्टडी करना है। आज हम देखेंगे कि पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट करना और पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करते समय कितनी टाइप की केसेस होती है, कौन सी केस में कौन सी कंडीशन अप्लाई करना पड़ता है, वो हम आज स्टडी करेंगे। तो चलो देखते हैं कि अगर इस टाइप का हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हो तो पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट करना। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करते समय मेथड क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो सबसे पहले देख लेते हैं। तो हमने यहां पे लिखा है मेथड टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल को पीआई ऐसा कहेंगे और ये पीआई फाइंड आउट करने के लिए यहां पे इक्वेशन ऐसा रहेगा, दैट इज 1 बाय एफ ऑफ डी इनटू क्यू ऑफ एक्स, ये फार्मूला रहेगा। ठीक है, यहां पे इक्वल्स टू के राइट साइड में जो क्यू ऑफ एक्स है वो आपको यहां लिखना है और 1 बाय देखो डिनोमिनेटर में एफ ऑफ डी कौन सा है, ये जो एफ ऑफ डी है वाई का जो कोएफिशिएंट वो आपको यहां पे लिखना है। तो इसके थ्रू अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल मिल जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले तो ये जो q ऑफ x है इसके डिफरेंट डिफरेंट केसेस पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो q ऑफ x है ये क्या है, इट इज अ फंक्शन ऑफ x, ये फंक्शन ऑफ x है लेकिन इसमें टोटल 6 केसेस आते हैं। तो ये क्या होता है, देखो हमने यहां पे लिख के रखा है, देखो नाउ डिपेंडिंग ऑन द फॉर्म ऑफ द फंक्शन q ऑफ x, ये q ऑफ x के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस टाइप से रहेगा। यहां पे लिखा है देयर आर 6 डिफरेंट केसेस फॉर पीआई एज बिलो, यहां पे 6 टाइप के डिफरेंट डिफरेंट केसेस है। अब q ऑफ x किस किस टाइप से रह सकता है वो देखो, यहां पे टोटल 6 जो यहां पे केसेस है वो हमने यहां पे लिख के रखा है। q ऑफ x दैट इज q ऑफ x इक्वल्स टू e टू द पावर ax, ये केस नंबर 1 है, इस टाइप का q ऑफ x हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का q ऑफ x हो सकता है e टू द पावर ax। ठीक है, a माने कोई भी एक कांस्टेंट है, तो ये केस नंबर 1 में आता है। सेकंड केस q ऑफ x ऐसा भी हो सकता है कि sin ax और cos ax ऐसे फॉर्म में भी हो सकता है। देन थर्ड केस रहेगा q ऑफ x का x टू द पावर m, m कोई भी जैसे x का कोई भी पावर अगर है तो वो जैसे x स्क्वायर, x क्यूब, x टू द पावर 4, x टू द पावर 5 ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, तो इस टाइप का भी q ऑफ x हो सकता है। तो ये हो गया केस 3 के बारे में। और अब केस 4 के बारे में अगर देखें तो केस 4 में q ऑफ x क्या हो सकता है, e टू द पावर ax * v ऑफ x ऐसा हो सकता है। ये जो v ऑफ x है, v ऑफ x इट मींस इट इज अ फंक्शन ऑफ x जिसमें sin ax हो सकता है या cos ax हो सकता है या x टू द पावर m हो सकता है। इट मींस ये sin ax, ये cos ax और ये x टू द पावर m, ये तीनों में से कोई भी यहां पे v ऑफ x के जगह पे हो सकता है। तो ये केस नंबर 4 ऐसा आता है जिसमें एक्सपोनेंशियल है into v of x है। Then case number 5 और 6 में देखो, case number 5 में अगर आप देखेंगे तो q of x क्या हो सकता है, x into v of x, देखो यहां पे x है, x का power क्या है 1 है और into v of x। और case number 6 में देखो, case number 6 में x to the power n into v of x, case number 5 में x का power 1 है जबकि case number 6 में x का power n है, यही एक difference है। बाकी देखो x into v यहां पे भी है। ये जो v of x है यहां पे दोनों में v of x क्या हो सकता है, तो v of x
साइन ए एक्स भी हो सकता है या कॉस ए एक्स भी हो सकता है। ये जो साइन ए एक्स कॉस एक्स है वो यहां पे हो सकता है, लेकिन इसका पावर 1 है याद रखो, और इसका पावर n है, ठीक है। और ये केस नंबर 4, 5, 6 तीनों को अगर कंपेयर करेंगे तो तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन है v ऑफ x। देखो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और ये v ऑफ x जो है वो साइन ए एक्स या कॉस ए एक्स हो सकता है, लेकिन ये जो केस नंबर 4 है सिर्फ इसमें v ऑफ x में आपके पास तीन ऑप्शन मिलते हैं, साइन ए एक्स, कॉस ए एक्स और x टू द पावर m, ये तीनों यहां पे हो सकता है। लेकिन ये केस नंबर 5 और 6 में v ऑफ x में साइन ए एक्स या कॉस ए एक्स में से एक रहेगा, x टू द पावर m जो है वो यहां नहीं रहेगा। तो फाइनली ये सभी केसेस की जानकारी आपको होना चाहिए। ये q ऑफ x इनमें से कोई भी एक टाइप का q ऑफ x यहां पे हो सकता है, और अगर वो हो तो फिर हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करते आना चाहिए। अब इनमें से कोई भी अगर एक केस अगर यहां पे आता है तो वो सॉल्व कैसे करना और पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट कैसे करना वो अब देखते हैं। तो उसके लिए हमने यहां देखिए ये सभी केसेस के बारे में यहां पे लिख के रखा है। तो चलो सबसे पहले स्टडी करते हैं केस 1 के बारे में। केस 1 इट मींस ये केस, दैट इज q ऑफ x इक्वल्स टू e टू द पावर ax। ये केस को हम स्टडी करेंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करते समय ये जो q ऑफ x है यहां पे अगर एक्सपोनेंशियल हो, इट मींस e टू द पावर ax अगर यहां पे हो, तो वो सॉल्व कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो उसके बारे में हमने यहां पे लिख के रखा है। तो ये pi का फार्मूला 1/f(d) और ये q ऑफ x के जगह हमने यहां पे एक्सपोनेंशियल ले लिए, ठीक है। ये जो फार्मूला है यही फार्मूला हमने यहां लिखे, लेकिन q ऑफ x के जगह ये जो एक्सपोनेंशियल है e टू द पावर ax ये हमने यहां पे लिख के रख दिया है। और ऐसे कंडीशन में pi कैसे फाइंड आउट करना, तो pi फाइंड आउट करते समय आपको क्या करना होता है, ये जो डिनोमिनेटर में f ऑफ d का जो इक्वेशन रहेगा वो इक्वेशन में d के जगह a पुट करना है। इट मींस d को आपको रिप्लेस करना है बाय मींस ऑफ a, ठीक है। a क्या रहेगा, तो ये जो x का कोएफिशिएंट है जो कि कांस्टेंट है वो रहेगा a, वो आपको पुट करना है। तो हमने यहां लिखा है पुट d इक्वल्स टू a, d के जगह a पुट करना है। लेकिन ये d को रिप्लेस करते समय, d को a से रिप्लेस करते समय एक बात का आपको ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे हमने कंडीशन लिखा है प्रोवाइडेड दैट डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो। d को a से रिप्लेस करते समय डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, इट मींस डिनोमिनेटर नॉन जीरो होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर नॉन जीरो होता है तो इसका मतलब यह है कि जो हम रिप्लेसमेंट कर रहे हैं d इक्वल्स टू a ये बिल्कुल करेक्ट है, हम रिप्लेसमेंट वो करके आसानी से पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल d इक्वल्स टू a करने के बाद अगर डिनोमिनेटर जीरो होता है, ऐसे में क्या, अगर डिनोमिनेटर जीरो होता है ऐसे में आप रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब यह है कि जब कभी भी आप इस टाइप का रिप्लेसमेंट करते हैं तो आपको सबसे पहले यह चेक करना है कि डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है या नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम सॉल्व करते समय इस टाइप का आपको थोड़ा सा रफ कैलकुलेशन साइड में करके देख लेना चाहिए, आपको साइड में देख लेना चाहिए कि डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो रहा है तो फिर हमारा रिप्लेसमेंट बिल्कुल सक्सेसफुल है, लेकिन अगर डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है तो फिर हम रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते हैं, डी के जगह ए रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। तो अगर डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है तो फिर ऐसे में पी आई कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होता है, न्यूमरेटर को एक्स से मल्टीप्लाई करना होता है। न्यूमरेटर को क्या कहा, ये जो न्यूमरेटर है जहां वन लिखा है न्यूमरेटर को हमें एक्स से मल्टीप्लाई करना होता है और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करना होता है। और फिर डिफरेंशिएट करने के बाद जो नया इक्वेशन मिलता है उसमें फिर हमें रिप्लेसमेंट करके फिर से हमें चेक करके सॉल्व करना होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसको हम प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे तब इसको ज्यादा बेटरली समझा के देंगे, ठीक है। अभी हम आपको जस्ट एक ऊपर ऊपर से बता रहे कि इस टाइप की केसेस में क्या करना है, जब इसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये केस 1 के बारे में है। और अब केस 2 के बारे में। केस 2 इट मींस क्या है कि साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स। देखो केस 2 इट मींस ये केस जो हमने आपको बताए थे, क्यू ऑफ एक्स अगर साइन ए एक्स हो या कॉस ए एक्स हो, ऐसे में क्या, तो देखिए पी आई कैसे फाइंड आउट होता है। तो ये फार्मूला जो है वो हमने यहां लिख के रखा है, लेकिन फार्मूला यहां पे हमने लिखते समय क्यू ऑफ एक्स के जगह ये जो केस 2 है साइन ए एक्स कॉस ए एक्स वो हमने यहां लिखा है। ये देखिए क्यू ऑफ एक्स के जगह साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स, एग्जाम में या तो ये आएगा या तो ये आएगा, दोनों में से कोई एक आएगा। तो इस टाइप का अगर कंडीशन हो ऐसी केस में आपको पी आई कैसे फाइंड आउट करना है वो समझ लो। तो ये फाइंड आउट करने के लिए भी आपको कुछ चेक करना होता है। देखिए यहां पे रूल ऐसा है कि अगर साइन ए एक्स या कॉस ए एक्स हो तो ऐसे में
जो भी एफ ऑफ डी का इक्वेशन रहेगा उसमें डी स्क्योर की जगह माइनस ऑफ ए स्क्योर पुट करना है। ए क्या है, तो ए जो है वो एक्स का कोइफिशियंट है जिसका हमें यूज करना है। ये देखिए एक्स का कोइफिशियंट ए जो है उसका हमें यूज करना है, डी स्क्योर की जगह माइनस ऑफ ए स्क्योर, ऐसा रिप्लेसमेंट हमें करना है। लेकिन रिप्लेसमेंट करते समय फिर से कंडीशन वही है कि प्रोवाइडेड दैट डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो। इट मींस जब आप डी स्क्योर की जगह माइनस ऑफ ए स्क्योर रिप्लेस करेंगे तो आपको डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो ऐसी कंडीशन आनी चाहिए। अगर डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो है तो ऐसे में हमारा जो रिप्लेसमेंट है वो बिल्कुल सक्सेसफुल है, जैसा केस नंबर वन में था बिल्कुल केस नंबर टू में वैसा ही है। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो है तो ऐसे में जो हमारा रिप्लेसमेंट है वो सक्सेसफुल है और फिर हम आसानी से पी आई फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है रिप्लेसमेंट करते समय, डिनोमिनेटर अगर जीरो हो जाता है तो ऐसे में क्या, तो ऐसे में फिर से बिल्कुल वही कंडीशन है जैसा हमने केस वन में पढ़े थे। अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है तो फिर हम रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते हैं, फिर हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो फ्रैक्शन है इसमें न्यूमरेटर को एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर को हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और फिर डिफरेंशिएट करने के बाद जो भी नया इक्वेशन बनेगा एफ ऑफ डी का उसमें फिर से हमें रिप्लेसमेंट करना है डी स्क्योर की जगह माइनस ऑफ ए स्क्योर और फिर से चेक करके देखना है। अगर कंडीशन यहां पे सेटिस्फाइड होती है तो फिर आसानी से हमें पी आई मिल जाएगा, और अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है तो फिर से हमें न्यूमरेटर को एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर से डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते हुए वो प्रोसेस को कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो ये है केस नंबर टू में। ठीक है, एक बात ध्यान में रखो, केस नंबर वन में और केस नंबर टू में क्या डिफरेंस है। केस नंबर वन में डी के जगह ए पुट करना है जबकि केस नंबर टू में डी स्क्योर के जगह ए स्क्योर पुट करना है, लेकिन माइनस ये यहां लगाना जरूरी है। तो ये दोनों केस में डिफरेंस है, बाकी यहां पे भी डिनोमिनेटर चेक करना होता है और यहां पे भी डिनोमिनेटर चेक करना होता है। जब कभी भी ये टाइप की केसेस आप सॉल्व करेंगे तो रफ में आपको ये हमेशा चेक करना है कि डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है या नहीं। तो फाइनली ये केस वन और केस टू के बारे में हमने स्टडी कर लिया, और अब स्टडी करते हैं केस नंबर थ्री। केस नंबर थ्री में अगर हमें पी आई फाइंड आउट करना है तो देखो क्यू ऑफ एक्स के जगह क्या रहेगा, एक्स टू द पावर एम ऐसा रहेगा। एक्स टू द पावर एम मतलब एक्स स्क्वायर बोलो या एक्स क्यूब बोलो, एक्स टू द पावर 4, एक्स टू द पावर 5, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो अगर इस टाइप से हो तो पी आई कैसे निकालना, तो ये फार्मूला हमने यहां लिख के रखा है और क्यू ऑफ एक्स के जगह हमने एक्स टू द पावर एम लिखा है। तो ऐसे में हमें क्या करना है, देखिए ऐसे में यहां पे जो डिनोमिनेटर में जो इक्वेशन है एफ ऑफ डी का, डिनोमिनेटर में जो भी इक्वेशन रहेगा उसमें से एल डी टी कॉमन लेना है। देखो क्या लिखा है, टेक एल डी टी कॉमन। LDT मतलब क्या, LDT मतलब लीस्ट डिग्री टर्म। आप अपने नोटबुक में ये जरूर लिख के रखो कि LDT मतलब क्या है, LDT मतलब लीस्ट डिग्री टर्म। हमें क्या करना होता है, ये एफ ऑफ डी में लीस्ट डिग्री टर्म को कॉमन लेना होता है, और कॉमन लेने के बाद ये जो फ्रैक्शन है, ये जो 1 बाय एफ ऑफ डी का जो पूरा फ्रैक्शन है इसको 1 प्लस एक्स इनवर्स या 1 माइनस एक्स इनवर्स ये फॉर्म में सेट करना होता है। अगर ये फॉर्म में सेट होता है तो फिर हमें वहां पे आसानी से बाइनोमियल एक्सपांशन मेथड का यूज करना है। यहां पे हमने लिखा है टेक एलडीटी कॉमन फ्रॉम एफ ऑफ डी एंड यूज बाइनोमियल एक्सपांशन मेथड। बाइनोमियल एक्सपांशन मेथड का यूज करके फिर हमें एक सीरीज तैयार करनी है और फिर हमें सॉल्व करना है। अब बाइनोमियल एक्सपांशन मेथड में दो टाइप की सीरीज आप बना सकते हैं, एक रहेगा 1 प्लस एक्स इनवर्स का और दूसरा रहेगा 1 माइनस एक्स इनवर्स का। इसमें 1 प्लस एक्स इनवर्स का एक्सपांशन क्या होगा, एक्सपांशन कुछ ऐसा है, 1 प्लस एक्स इनवर्स इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्योर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4 इस तरह से, और 1 माइनस एक्स इनवर्स का एक्सपांशन क्या होगा, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्योर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4 एंड सो ऑन। इस टाइप से ये बाइनोमियल एक्सपांशन मेथड होता है। ठीक है, तो इस फॉर्म में सेट करके हमें सीरीज बना के हमें उसको सॉल्व करना होता है और फिर हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई फाइंड आउट करना होता है। और अब बात करते हैं केस नंबर फोर की। केस नंबर फोर इट मींस ये क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर ए एक्स इंटू वी ऑफ एक्स। अगर क्यू ऑफ एक्स के जगह अगर ये फॉर्म हो तो ऐसे में पी आई कैसे फाइंड आउट करना, तो देखो ये जो फॉर्मूला है ये हमने फिर से यहां पे लिखा है, लेकिन क्यू ऑफ एक्स के जगह हमने क्या लिखे, ए टू द पावर ए एक्स इंटू वी ऑफ एक्स ये लिखा है। तो ऐसे में पी आई कैसे फाइंड आउट करना, देखिए पी आई यहां पर फाइंड आउट करना आसान है। सबसे पहले तो ये जो ए टू द पावर ए एक्स है ये है एक्सपोनेंशियल और साइड में है वी ऑफ एक्स, और जैसा हमने कहा था वी ऑफ एक्स क्या हो सकता है, ये जो v of x है ये sin ax भी हो सकता है, cos ax भी हो सकता है, या x to the power m ये भी हो सकता है। तो इनमें से कोई भी एक यहां पे हो सकता है, और ऐसे में ये केस नंबर 4 में pi फाइंड आउट करते समय सबसे पहले क्या करना होता है, ये जो एक्सपोनेंशियल है ये एक्सपोनेंशियल को हमें बाहर लेना होता है। एक्सपोनेंशियल को बाहर निकालो, लेकिन बाहर निकालते समय जो भी x का कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट क्या है, a है,
वो हमें d के जगह d प्लस a ऐसा रिप्लेस करना है, ठीक है। तो जैसा इक्वेशन में f ऑफ d रहेगा, जहां जहां पे d रहेगा हमें d के जगह d प्लस a ऐसा लिखना है। तो देखो पहले f ऑफ d था लेकिन एक्सपोनेंशियल बाहर आ गया तो d के जगह d प्लस a आ गया, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और d के जगह d प्लस a आने के बाद फिर हमें इन जनरल वे से सॉल्व करना है। इसका क्या मतलब है, तो देखो जब ये एक्सपोनेंशियल बाहर आता है तो ये बाहर आने के बाद d के जगह हमने d प्लस a ऐसा तो लिख दिए, इट मीन्स हमने d को रिप्लेस किए बाय मीन्स ऑफ d प्लस a। तो ये रिप्लेसमेंट होने के बाद v ऑफ x तो वही का वही है, v ऑफ x अगर वही है तो v ऑफ x मतलब हमने जैसा कहा था v ऑफ x मतलब sin ax भी हो सकता है, cos ax भी हो सकता है, x टू द पावर m भी हो सकता है। इसका मतलब v ऑफ x के जगह v ऑफ x में केस नंबर 2 भी आ सकता है, केस नंबर 3 भी आ सकता है। तो केस नंबर 2 केस नंबर 3 इनडायरेक्टली हमें यहां पे सॉल्व करना है। एक बार आपने ये एक्सपोनेंशियल को बाहर ले लिए और d के जगह d प्लस a रिप्लेसमेंट कर लिए तो समझ लो केस नंबर 4 वहीं पे समाप्त हो जाएगा, और केस नंबर 4 समाप्त होने के बाद वहीं पे केस नंबर 2 और 3 शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल तो बाहर चला गया लेकिन v ऑफ x तो वही का वही है। तो v ऑफ x वही है, इट मींस केस नंबर 2 और केस नंबर 3 है, क्योंकि हमने कहा था v ऑफ x में ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है। इट मींस फिर हमें यहां पे आगे सॉल्व करने के लिए केस नंबर 2 और 3 की कंडीशंस यूज करना पड़ेगा। जो भी केस नंबर 2 और 3 में हमने बताए थे वो मेथड का यूज करके हमें फिर यहां पे आगे कंटिन्यू करना है और फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। तो फाइनली ये हो गया पूरी तरह से केस 4 के बारे में, और अब बात करते हैं केस 5 एंड केस 6 के बारे में। तो केस नंबर 5 और 6 लिखने के लिए यहां पे जगह नहीं थी, तो चलो हम वो लिख लेते हैं और केस नंबर 5 और 6 स्टडी करते हैं। तो ये देखिए केस 5 और केस 6 के बारे में हमने यहां पे कुछ लिखा है, चलो इसको वन बाय वन स्टडी करते हैं। सबसे पहले केस 5 के बारे में, केस 5 इट मींस ये केस जो कि है दैट इज q ऑफ x इक्वल्स टू x इनटू v ऑफ x, अगर इस टाइप से हो तो ऐसे में पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखिए। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल का ये फार्मूला हमने यहां लिखा है और q ऑफ x की जगह हमने ये लिखा है x इनटू v ऑफ x, ठीक है, x इनटू v ऑफ x दैट इज अ फंक्शन ऑफ x। और ये जो v ऑफ x है, v ऑफ x में दो चीजें हो सकती है, v ऑफ x में या तो sin ax रहेगा या तो cos ax रहेगा। ये देखिए ये जो केस 2 में sin ax cos ax आपने पढ़े थे, ये sin ax cos ax में से कोई भी एक यहां पे v ऑफ x में हो सकता है, और फिर उसका यूज करके हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। और पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए एक फार्मूला है, देखो फार्मूला आपके सामने है, फार्मूले में देखो क्या लिखा है, ब्रैकेट में लिखा है x माइनस f डैश ऑफ d डिवाइडेड बाय f ऑफ d इंटू वन बाय एफ ऑफ डी इंटू वी ऑफ एक्स, ठीक है। और यहां पे अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे, ये देखिए ये जो फ्रैक्शन है वन बाय एफ ऑफ डी, उसमें जो डिनोमिनेटर है एफ ऑफ डी उसको डिफरेंशिएट करना होता है, और उसको डिफरेंशिएट करके हमें यहां पे यूज करना है। यहां लिखा है एफ डैश ऑफ डी बाय एफ ऑफ डी, एफ डैश ऑफ डी इट मीन हमें एफ ऑफ डी को डिफरेंशिएट करना है, और वो हमें यहां पे लिखना है डिवाइडेड बाय एफ ऑफ डी, और यहां पे भी वन बाय एफ ऑफ डी, और यहां पे है इंटू वी ऑफ एक्स, यहां पे वी ऑफ एक्स लिखा है, इट मीन यहां पे साइन ए एक्स कॉस ए एक्स कुछ भी आ सकता है। और अगर यहां पे साइन ए एक्स कॉस ए एक्स आएगा इट मीन आप वहां पे केस 2 यूज कर सकते हैं, क्योंकि साइन ए एक्स कॉस ए एक्स का होना इट मीन केस 2 का यूज करना। तो फिर हम यहां पे केस 2 का यूज करेंगे और फिर आसानी से पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई फाइंड आउट करेंगे। तो ये हो गया केस 5 के बारे में, और अब स्टडी करते हैं केस 6 को। केस नंबर 6 की अगर बात करें तो केस नंबर 6 में q ऑफ x के जगह क्या होता है, x टू द पावर n इनटू v ऑफ x ऐसा होता है। तो चलो देखते हैं कि इसका पी आई कैसे फाइंड आउट करना। तो ये जो फार्मूला है वो हमने यहां लिख दिया है, और q ऑफ x के जगह ये जो केस 6 है वो हमने यहां पे लिखा है x टू द पावर n इनटू v ऑफ x। x टू द पावर n मतलब x स्क्वायर, x क्यूब, x टू द पावर 4, 5 ऐसा हो सकता है। और v ऑफ x मतलब क्या, v ऑफ x मतलब sin ax या cos ax, ठीक है। इसके पहले भी केस नंबर 5 में v ऑफ x मतलब sin ax या cos ax, ठीक है। हमने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि ये तीनों केस में कॉमन है v ऑफ x, देखो तीनों केस में कॉमन है v ऑफ x, लेकिन केस नंबर 4 में जो v ऑफ x है इसमें sin ax cos ax या x टू द पावर m ऐसा हो सकता है। इट मींस ये तीनों में से sin ax cos ax या x टू द पावर m तीनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन केस नंबर 5 6 में यहां जहां v ऑफ x है इसमें सिर्फ साइन ए एक्स कॉस ए एक्स होता है, ठीक है, ये साइन ए एक्स कॉस ए एक्स यहां होता है। तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं केस नंबर 6 में, यहां पे वी ऑफ एक्स में साइन ए एक्स कॉस ए एक्स ऐसा हो सकता है। और ऐसे में पी आई फाइंड आउट करते समय हमें क्या करना है, यहां पे सबसे पहले हमें एक्सपोनेंशियल टर्म एडजस्ट करना है, इट मींस ई टू द पावर ऐसे फॉर्म में हमें यहां पे एक्सपोनेंशियल टर्म एडजस्ट करना है। हमें यहां पे कुछ ना कुछ करके एक्सपोनेंशियल लाना है। अब ये कैसे लाएंगे, ये लाना काफी आसान है। एक्सपोनेंशियल लाने के लिए हमने जैसा कहा कि यहां पे साइन ए एक्स कॉस ए एक्स रहेगा, तो ये साइन ए एक्स कॉस ए एक्स क्या होता है, साइन ए एक्स माने इमेजिनरी पार्ट होता है।
और cos ax माने रियल पार्ट होता है। इसका क्या मतलब है? तो ऐसे में आपको एक्सपोनेंशियल का फार्मूला पता होना चाहिए जो कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज होता है। देखो फार्मूला हम आपको बताते हैं, फार्मूला चलो यहां बता देते हैं, ठीक है, काफी सिंपल फार्मूला है। ये फार्मूला आपको पता भी होगा, e टू द पावर i थीटा इक्वल्स टू cos थीटा प्लस i sin थीटा। देखो ये होता है एक्सपोनेंशियल का, दैट इज स्टैंडर्ड फार्मूला है ये, कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने नंबर ऑफ टाइम्स इसको यूज किया हुआ है, दैट इज ई टू द पावर आई थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, तो ये फार्मूले में अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। यहां पे ये जो कॉस थीटा है इसको कहते हैं रियल पार्ट, और ये जो साइन थीटा है इसको कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। इसको इमेजिनरी पार्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके सामने आई लगा है, इसके सामने आई है इसलिए ये इमेजिनरी पार्ट है, और इसके सामने आई नहीं है तो ये रियल पार्ट है। तो ये है रियल पार्ट, इट मींस इसको हम आरपी, दैट इज रियल पार्ट आरपी ऐसा कहेंगे, और ये है इमेजिनरी पार्ट साइन थीटा माने तो ये आईपी ऐसा कहेंगे। ठीक है, ये जो पूरा फार्मूला है ये थीटा के फॉर्म में है। अगर यहां पे थीटा है तो यहां पे भी थीटा आएगा, अगर यहां पे एक्स हो जाए तो यहां पे भी एक्स आएगा, अगर यहां पे ए एक्स हो जाए तो यहां पे भी ए एक्स हो जाएगा। ठीक है, अभी हम फिलहाल यहां पे ए एक्स के फॉर्म में स्टडी कर रहे हैं। तो जैसा हमने कहा था कि ये फार्मूले में वी एक्स के जगह साइन ए एक्स भी हो सकता है, कॉस ए एक्स भी हो सकता है, तो दो टाइप यहां पर आ गए, या तो साइन ए एक्स या तो कॉस ए एक्स। तो अगर यहां पे साइन ए एक्स हो तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, वही फार्मूला हमने यहां पे लिखा है, सिर्फ ये वी ऑफ एक्स के जगह हमने साइन ए एक्स लिखा है, और फिर इसके जगह कॉस ए एक्स हो तो कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, साइन ए एक्स है तो ऐसा, कॉस ए एक्स है तो ऐसा, हम यहां पर पी ए ऐसा लिख देंगे। ठीक है, और अगर ऐसा हो साइन ए एक्स, देखो ये फार्मूले में साइन ए एक्स है, ये फार्मूले में कॉस ए एक्स है, अगर ऐसा हो तो हमें इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है, और एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना, यहां एक्सपोनेंशियल लाना काफी आसान है। हमने जैसा यहां आपको बताया कि साइन माने क्या, साइन माने इमेजिनरी पार्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल, एंड कॉस माने रियल पार्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का ये रियल पार्ट है, एक्सपोनेंशियल का ये इमेजिनरी पार्ट है, तो हमने यहां पर वही लिखा है। देखो यहां पर क्या है, वन बाय एफ ऑफ डी एक्स टू द पावर एन साइन ए एक्स ऐसा है, तो ऐसे में यहां पर साइन ए एक्स माने क्या है, तो साइन ए एक्स माने हमने लिखा है इमेजिनरी पार्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल। ठीक है, और यहां पे कॉस ए एक्स माने रियल पार्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल, और यहां एक्सपोनेंशियल देखो क्या लिखा है, ई टू द पावर आई ए एक्स, यहां पे भी ई टू द पावर आई ए एक्स, क्योंकि इसमें ए एक्स है, देखो साइन ए एक्स है तो यहां पे भी ए एक्स है, यहां पे भी कॉस ए एक्स है तो यहां पे भी ए एक्स है। जैसा हमने कहा था, यहां देखो साइन थीटा है तो यहां पे भी थीटा है, यहां कॉस थीटा है तो यहां पे भी थीटा है, या उल्टा बोलो, यहां थीटा है तो यहां थीटा, यहां थीटा है तो यहां थीटा। तो जैसा यहां रहेगा वैसा यहां रहेगा, या उल्टा बोलो, जैसा यहां रहेगा वैसा यहां रहेगा। तो हम यहां पे वही बता रहे, तो साइन यहां ए एक्स है तो ई टू द पावर आई ए एक्स, ये इमेजिनरी पार्ट है, इसलिए यहां पे हमने लिखे आई पी, दैट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल। और ये यहां पे कॉस ए एक्स है तो यहां पे आई ए एक्स आ गया, ठीक है, एक्सपोनेंशियल में, और ये कॉस इट मींस रियल पार्ट, तो यहां पे हमने लिखे आर पी, दैट इज रियल पार्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल, ऐसा हमने लिख दिए। और ऐसा लिखने के बाद यहां पे क्या करना है, ये जो आई पी ऑफ है इसको साइड में निकालना है, देखो बाहर में, ठीक है ना, आई पी ऑफ ये हमने बाहर लिख दिए, और ये एक्सपोनेंशियल और ये एक्स टू द पावर एन ये यहां पे एज इट इज लिखे, यहां पे भी आरपी ऑफ ये हमने बाहर लिख दिए, और ये एक्स टू द पावर एन और एक्सपोनेंशियल ये हमने एज इट इज लिख दिए। और लिखते समय पहले एक्सपोनेंशियल लिखे बाद में एक्स टू द पावर एन लिखे, यहां पे भी पहले एक्सपोनेंशियल लिखे बाद में एक्स टू द पावर एन लिखे। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि अब हमें यहां पे इसको सॉल्व करने के लिए केस नंबर फोर यूज करना है। केस नंबर फोर, ये देखिए केस नंबर फोर, ये है केस नंबर फोर, जहां पे आप देख सकते हैं कि q ऑफ x इक्वल टू e टू द पावर ax इंटू वी एक्स, ये फॉर्म में ये आ चुका है, देखो e टू द पावर ax इंटू वी एक्स ये फॉर्म में आ चुका है। और अब यहां पे केस नंबर फोर अप्लाई करके आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं और पी आई फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फाइनली इस तरह से ये हमने केस सिक्स इसको भी स्टडी कर लिए। तो फाइनली ये सभी सिक्स केसेस की हमने आपको जानकारी दे दी है। ये सिक्स केसेस की अगर आपको जानकारी है तो आप कोई भी प्रॉब्लम में आसानी से पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट कर सकते हैं। और जैसा हमने स्टार्टिंग में कहा था कि हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसके दो सोल्यूशन निकालना होता है, एक है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, दूसरा पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने इसके पहले के वीडियो में लिए थे, वो आप वहां से
पूरी तरह से स्टडी कर लीजिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और पर्टिकुलर इंटीग्रल आज हमने स्टडी कर लिए, अब इसके प्रॉब्लम्स हम आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करना है, तो वो सभी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल की जानकारी होना ही चाहिए, उसके बिना आपको प्रॉब्लम समझ में नहीं आएंगे, तो वो हम आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसके पहले के सभी वीडियोस देखने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए, कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपने अगर अभी भी अगर हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए, ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।